आज शार्प टॉकीज में जयंती पिक्चर देखने के लिए काफ़ी पत्रकार और बामसेक के भी काफ़ी कार्यकर्ता भी आज आए हुए थे। सिनेमा जो होता है वो सबसे सशक्त माध्यम है समाज परिवर्तन का, क्योंकि जो विजुअलाइज होता है और जो विजुअल का जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा असर करता है। इसीलिए थिएटर और सिनेमा का जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसा भी विचारवंतों ने कहा है कि जिस देश के साहित्यिक, कवि, फिल्मकार, शिल्पकार और कलाकार यदि व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो समाज परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए नरवाड़ी जी ने, जो कि इसके डायरेक्टर है, ये फिल्म बनाई और इसमें हमने देखा कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं, यानी खाली उनका पुतला या उनका स्मारक नहीं, तो उनके जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उनके अम्बेडकरवाद है, उसको जो है उसको प्रस्थापित करना ज़रूरी है, ना कि मूर्तियों की पूजा यानी मूर्ति पूजा से हटकर उनके विचार यदि आगे बढ़ाना है तो ये फिल्म सभी ने ज़रूर देखना चाहिए। तो आज सभी जो मूवमेंट वाले यहाँ पे देखने के आए थे पिक्चर, तो उनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले साबिर भाई भी यहाँ पे है, साबिर भाई जो कि पत्रकार है और एक्टिविस्ट पत्रकार है, उनसे मैं पूछूंगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। फिल्म बहुत बढ़िया लगी और मेरा एक आह्वान है कि ये फिल्म SC ST OBC बिल्कुल यहाँ तक के मुस्लिम ने भी देखना चाहिए फिल्म को। बिल्कुल। और ये फिल्म का आखिरी दिन कल का है, ये शाम टॉकीज में हमने देखी अभी फिल्म, बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी स्टोरी बनाई इन्होंने, और ये स्टोरी कॉमन है, ये सबके लिए, सबने देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। इस फिल्म में सबसे बड़ा अहम संदेश जो है वो मैं सोचता हूँ कि जुल्म को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, और कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जुल्म सहने से, यानी जुल्म करने से, जुल्म सहने वाला जो है वो ज़्यादा गुनहगार है, सबसे बड़ा गुनहगार है। तो आज हमारे साथ में सर बामसेब के सर है, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम भी बताइए और गायकवाड़ सर हाँ बोले बोले बोलो ना, आप दोनों भी बोलो। जय भीम सर बोलिए। फिल्म बहुत बढ़िया है, फिल्म सबों ने देखनी चाहिए, छोटों से बड़ों के लिए बहुत अच्छा है वो। एक किताब, सही किताब और सही आदमी जिंदगी बदल देती है, ये संदेश बहुत अच्छा है और ये आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत अच्छा है। ना, आप मास्टर भी है और इस फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश दिया है वो वही है कि एजुकेशन, कि शिक्षण के सिवा आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो फिल्म बनाई है वो सब लोगों ने देखना जरूरी है। कार्यकर्ताओं की भूमिका, अहम भूमिका क्या होती है ये इसमें दिखाया गया है। जब कार्यकर्ता के पास सही ज्ञान होगा तभी कार्यकर्ता अच्छे ढंग से काम करेगा, नहीं तो फिर राजकारणी जो लोग हैं उसके बहकावे में आकर खुद की ज़िंदगी जो बर्बाद होती है कार्यकर्ताओं की, ये अहम संदेश इस फिल्म में दिया गया है। तो सही किताबें, सर ने बताया कि सही किताबें आदमी को ज्ञान देती है और इस फिल्म से यह सिद्ध हुआ है कि ज्ञान में जो नॉलेज, ज्ञान में जो पावर होती है, नॉलेज इज़ अ पावर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि नॉलेज इज़ अ पावर, तो यही मैसेज इस फिल्म के द्वारा दिया गया है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, सबने देखना चाहिए, ऐसी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। ऐसा भी कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द रियल फ्रीडम, इसलिए जो भी ज्ञान पाता है वही मुक्त हो सकता है गुलामगिरी से। वाक सर आप भी कुछ कहना चाहोगे? जेविन, एक सही टीचर समाज को एक अच्छी शिक्षा दे सकता है, सिर्फ उनके बच्चों को ही नहीं जो पढ़ते हैं उनके पास, उनको ही नहीं
तो एक समाज में जो आदमी होता है, जो अपने रास्ते से भटक जाता है, उसको भी सही दिशा में और सही राह पर लाने की क्षमता एक अच्छे शिक्षक में है। ये भी इस फिल्म से मिलती है और इस फिल्म को सभी ने देख एससी एसटी जेएनटी ओबीसी जो भी है लोग, उन्होंने देखना चाहिए। इसको एक अलग नज़र से देखना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छी फिल्म है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सभी ने ये फिल्म देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके साथ ही मालकम एक्स जो कि दलित पैंथर जो थी, दलित पैंथर ब्लैक पैंथर की उपज है, उनके प्रेरणा लेकर ही दलित पैंथर यहाँ पे स्थापित हुई थी भारतवर्ष में। तो मालकम एक्स के ही विचारों को भी यहाँ पे दर्शाया गया। तो इसके बाद अभी सर ये है वो फिल्म पूरी आदिवासी समाज के ऊपर बनाई गई है और पूरे सिर्फ दलित ही देख रहे हैं, तो इस फिल्म को पूरे आदिवासी समाज ने देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दलिती लड़ने के लिए रोड पे आता है तो समाज एकत्र होएगा, ऐसा कुछ कीजिए और ये फिल्म को देखकर कुछ नॉलेज लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आह्वान आपने किया कि यहाँ पे जो है दलित हो आदिवासी हो तमाम बहुजन, यानी ये मीडिया जो था ये अल्टरनेटिव सिनेमा जो है ये पूरा बहुजनों का ही सिनेमा है और बहुजन भी हुनरमंद होते हैं, यही सिद्ध होता है इसमें। हम जो प्रस्तावित जो सिनेमा है उसमें भी हम देखेंगे कि मुस्लिम लोग जो कि वास्तव में हुनरमंद है, इसीलिए उन्हीं का वो फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देखेंगे कि बिल्कुल संगीतकार हो, गीतकार हो, डायलॉग वाले हो, फिल्म राइटर हो, हीरो हो, सभी वो है। तो इसके आगे इसके बाद जो है एक नई शुरुआत हम एक बहुजन सिनेमा की कर सकते हैं, यही एक इसमें संदेश हम ले सकते हैं। सर आप बोलिए। ये फिल्म तो बहुत ही अच्छी है, सब जाति के लोगों ने, सब धर्म के लोगों ने देखनी चाहिए ताकि उसमें से समझ आ जाएंगे कि ये फिल्म जो बनाई है तो ये आदमी के नहीं है, ये पूरे जो लोग रहते हैं उन्होंने सब देखनी चाहिए। बिल्कुल, इस फिल्म में एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये भी दिया गया है कि महापुरुष जो होते हैं वो लोगों के दिमाग में होना चाहिए, उनकी प्रतिमा जो है उनके हृदय में होना चाहिए, ना कि उनके पुतले या स्मारक, जिससे कि आगे चल के फिर दंगा फसाद भी व्यवस्था करती है, नेता लोग करते हैं। हम देखे कि वोटों की राजनीति इसकी वजह से होती है, इसलिए शिक्षण और उनके जो विचारधारा है जैसे अम्बेडकरवाद प्रस्तावित करना, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही संदेश सबसे महत्वपूर्ण जयंती फिल्म से हमको मिला, इसलिए डायरेक्टर जो थे नरवाड़े जी और काफ़ी बाकी जो एक्टर भी थे इसमें, जिसमें किरण मेश्राम हो, वीरा साथीदार हमारे बीच में नहीं है आज, तो सबसे पहले हम वीरा साथीदार जो कि कोट फिल्म के भी हीरो थे और उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से, तो आज हमारे बीच में वो नहीं है, इसलिए उसमें के एक कलाकार हमारे बीच में नहीं होने से हम उनको केवल एक मिनट की आदरांजलि भी देंगे। तो सावधान।